बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, कातिलों ने दशहरे का दिन क्यों चुना? पंद्रह दिन पहले धमकी, बाबा सिद्दीकी ने क्यों हल्के में लिया? घर के बाहर अटैक, हाई प्रोफाइल मर्डर, किसको डायरेक्ट मैसेज? अंडरवर्ल्ड में खलबली, मुंबई में गैंग वॉर के नए चैप्टर का आगाज। डॉन का डर खत्म, लॉरेंस ने जेल से ही डी गैंग को थर्रा दिया। चौथा, ये देखिए, ये ऐसा है ना कि हमारे यहाँ कानून का फेलियर है, मर्डर करके आदमी घूम रहा है। मुंबई में सिमटा गैंग वॉर, देश भर में दिखेगा आर पार। लॉरेंस की लिस्ट कितनी बड़ी, किस्सा खत्म हुआ या शुरू हो रहा है? के यही सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग, यही बाबा सिद्दीकी को मार दिया, बारिश पठान भी यही रहे। 12 अक्टूबर दिन शनिवार, विजयादशमी का महापर्व। दिल्ली से मुंबई तक रावण दहन की बधाई का दौर चल रहा था और तभी टीवी पर वो खबर आई जिसने कईयों को चौंका दिया, कईयों को सहमने पर मजबूर कर दिया, कईयों को डरा दिया। के यही सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग, यही बाबा सिद्दीकी को मार दिया, बारिश पठान भी यही रहे। बाबा सिद्दीकी मुंबई के सियासत का वो नाम था जिसे दुनिया ने अपनी उंगलियों पर माइनॉरिटी वोट बैंक से लेकर बॉलीवुड के सितारों को नचाते देखा। ईद की इफ्तार पार्टी हो या सालाना जलसा, सलमान से लेकर शाहरुख जैसे स्टार्स बाबा सिद्दीकी के साथ गलबहियां करते नजर आते। चुनावी मौसम में उनके लिए जनता के बीच वोट मांगते, महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े सियासी चेहरों की मौजूदगी भी उनके आयोजनों में खूब दिखती। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद हर वो शख्सियत बेचैनी में है जिसकी उनसे नजदीकियां जग जाहिर रही हैं। इसकी वजह है इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के 12 घंटे बाद सोशल मीडिया पर चमका वो मैसेज जिसमें एक तरफ इस मर्डर का कबूलनामा है तो दूसरी तरफ साफ शब्दों में दिया गया अल्टीमेटम है जिसका लबोलुआब यह है कि अभी तो किस्सा शुरू हुआ है। बाबा सिद्दीकी की दुश्मनी किसी से नहीं थी, बाबा सिद्दीकी की पॉलिटिकल कोई रिवैलरी नहीं थी, पॉलिटिक्स करते थे वो लेकिन कोई झगड़ा नहीं थी, बहुत फ्रेंडली आदमी थे। देखिए, ये ऐसा है ना कि हमारे यहाँ कानून का फेलियर है, मर्डर करके आदमी घूम रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से सोशल मीडिया पर जारी इस पोस्ट में एक तरफ बॉलीवुड स्टार सलमान खान से अदावत का खुला जिक्र है तो दूसरी ओर उसकी कड़ियां पाकिस्तान में छिपे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जोड़ी गई। बॉलीवुड और पॉलिटिकल कनेक्शन का सवाल उठाया गया और बाबा सिद्दीकी को उसका एक चेहरा गिनाया गया। मुंबई पुलिस सोशल मीडिया पर जारी इस पोस्ट की हकीकत खंगाल रही है तो उस बीच अंदर खाने से चौंकाने वाली ये खबर आ रही है कि गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इस बार नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखा था और उसने अपना व्रत कल रात में दशहरा खत्म होने के बाद तोड़ा। लॉरेंस बिश्नोई खुद को लगातार हिंदू डॉन के तौर पर प्रोजेक्ट करने में लगा हुआ है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी उसने इसी अंदाज में चुनौती दी थी। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद लॉरेंस का ये चैलेंज मुंबई में डर की नई लहर पैदा कर रहा है। जहां एक ओर अंडरवर्ल्ड की बादशाहत पर सीधा दावा है तो दूसरी ओर सवाल उठ रहे हैं कि क्या माया नगरी से दाऊद के डर के खात्मे की घंटी बज गई है और दुबई से बैठकर माया नगरी को चलाने का ऑर्डर अब कनाडा अमेरिका से आने वाला है जहां से लॉरेंस बिश्नोई के गैंगबाज अपना बेखौफ सिंडिकेट चला रहे हैं।
तो बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड ने देश को चौंका दिया है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी गहरा रहा है कि उन्हें 15 दिन पहले ही जान से मारने की धमकी मिली थी, तो बाबा सिद्दीकी ने इस धमकी को हल्के में लिया क्या? आखिर वो क्यों ये मान रहे थे कि उन्हें निशाना बनाने की हिमाकत लॉरेंस गैंग नहीं कर सकता? बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस अदालत की शुरुआत लॉरेंस गैंग ने मुंबई में की, क्या उसका खूनी असर दिल्ली समेत देश के दूसरे हिस्सों में भी अब देखने को मिल रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। बाबा सिद्दीकी के मर्डर पर मुंबई में हंगामा बरपा हुआ है। कांग्रेस एनसीपी समेत वो सारी पार्टियां इसे लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर का मामला बताने में जुटी हैं और सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र की पिछली सरकार में कई मंत्रालय संभाल चुके और 3 दफा विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं रही, तो आम जनता को भगवान भरोसे है। हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो रहा है और सरकारें जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलना एक बहुत ही सीरियस मैटर है। वो कोई क्रिमिनल आदमी नहीं, वो एक नेता, हम आज बचपन से हम लोग देखते हैं बाबा सिद्दीकी पॉलिटिक्स में थे और उन पर गोली चलना, मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस, सरकार को इसको नोट लेना चाहिए और इस तरह की चीज़ों पर कड़े कदम उठना चाहिए। लेकिन अगर मुंबई जैसे शहर में इतना हाई प्रोफाइल व्यक्ति पुलिस सुरक्षा में सुरक्षित नहीं है, तो फिर मुंबई का आम नागरिक, महाराष्ट्र का आम नागरिक कहां सुरक्षा है? ये भाजपा शासित राज्य की सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है और मीडिया से मेरा अनुरोध है कि अगर ये जंगल राज नहीं है तो फिर जंगल राज क्या है? क्या सिर्फ भाजपा शासित गैर राज्य जो हैं, जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं, वहां की घटनाएं ही जंगल राज में आती हैं? क्या भाजपा शासित राज्यों की घटनाएं जंगल राज में नहीं आती? पल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहां है। आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी है, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है, तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। आज जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जो 15 दिन पहले उन्होंने कहा था उनको धमकियां आ रही हैं, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर राज्य का नहीं है? वजह बस एक है, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो महाराष्ट्र को इतना लूटने में लगे हैं, इतना व्यस्त हैं कि वो सुरक्षा महाराष्ट्र को दे नहीं पा रहे हैं, महाराष्ट्र वासियों को नहीं दे पा रहे हैं। इस पर सियासी बहस तो चलती रहेगी, लेकिन सच यही है कि दाऊद इब्राहिम ने मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपना सिक्का जमाने के लिए जिस स्ट्रेटजी को आजमाया, लॉरेंस गैंग उसी लीक पर चल रही है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में तीनों हमलावरों की पहचान हुई, वो मुंबईया नहीं थे, बाहरी थे और इसीलिए वारदात में कामयाब रहे। बाबा सिद्दीकी के घर और ऑफिस की रेकी को भी इसी तर्ज पर अंजाम दिया गया, जिसे ना तो पुलिस भाप पाई ना ही बाबा सिद्दीकी के सिक्योरिटी गार्ड। बड़ा सवाल तो यह है कि जब बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी मिली थी, तो उन्होंने और उनके बेटे जिशान ने इसे इतने हल्के में क्यों लिया? उन्हें अगर वाई सिक्योरिटी मिली हुई थी तो सुरक्षा कर्मियों के घेरे में क्यों नहीं थे, जबकि उन्हें पता था कि सलमान खान के घर पर गोलीबारी करने वाले नए रंग रूप के थे, जिनका आपराधिक बैकग्राउंड किसी को मालूम नहीं था? बाबा सिद्दीकी के सती आत्मविश्वास के पीछे आखिर कौन सा फैक्टर काम कर रहा था? बाबा सिद्दीकी सबसे ज्यादा अपने सोशल लाइफ की वजह से जाने जाते थे, क्योंकि इफ्तार पार्टियों की सबसे ज्यादा चर्चा बाबा सिद्दीकी की ही होती थी, जिसमें बॉलीवुड के कई सारे बड़े सितारे शामिल होने के लिए आते थे, चाहे वो दबंग सलमान खान हो या शाहरुख खान हो। और सबसे बड़ी बात यह थी कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान और शाहरुख खान के साथ पारिवारिक उनके रिश्ते थे, और यही सबसे बड़ी वजह थी कि जब दो पुराने दोस्त अचानक से बीच में दुश्मन बन गए थे, तो दोबारा से बाबा सिद्दीकी ने ही अपने एक इफ्तार पार्टी में दोनों में दोस्ती कराई थी। और हमेशा से ही बाबा सिद्दीकी जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए सेलिब्रिटीज होते थे या किसी को अगर कोई समस्या होती थी तो वो डायरेक्टली बाबा सिद्दीकी से ही संपर्क करता था और उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने का काम बाबा सिद्दीकी ही करते थे। यही वजह थी कि सबसे कम समय में बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों के लिए चहेते हो गए थे, और यही वजह है कि इस दुखद घटना के बाद से ही लगातार लीलावती अस्पताल की अगर बात करें तो वहां पर शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, सलमान खान और जो दूसरे बड़ी हस्तियां हैं वो पहुंच रही थी, और धीरे धीरे अब एक तरफ
जहां कूपर अस्पताल में भी राजनीतिक गलियारों से बड़ी हस्तियां पहुंच रही थी, तो अब उम्मीद की जा रही है कि पाली हिल में स्थित जो घर है इनका, वहां पर भी बड़ी संख्या में बॉलीवुड सेलिब्रिट्स आ सकते हैं, जहां पर उनके पार्थिव शरीर का आखिरी वो दर्शन कर सकेंगे। लॉरेंस गैंग ने इस हत्याकांड से सीधा संदेश दे दिया है, हमने जिसे टारगेट तय कर लिया उसे घर में घुसकर मारेंगे। पुलिस अब इस बात की पड़ताल में जुटी है कि हमलावरों को सुपारी किसने दी और बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम देने के पीछे असल मकसद क्या था। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद बॉलीवुड में लॉरेंस गैंग का खौफ बढ़ना तय है। सलमान जैसे बड़े फिल्मी चेहरे के टारगेट पर होने का मैसेज इस डर को और बढ़ाएगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी सहित कई राज्यों में गैंगस्टर लॉरेंस का खौफ पहले से ही है। उत्तर भारत के कई राज्यों में उसकी गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, जो बड़े कारोबारियों से लाखों करोड़ रुपए की रंगदारी वसूल करते हैं। इस वारदात के बाद बॉलीवुड में एक्सटॉर्शन या सिक्योरिटी मनी की वसूली का नया गेम शुरू होने का अंदेशा गहरा रहा है। पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की निर्मम हत्या मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच हर पहलू से जांच कर रही है और इसमें अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन भी शामिल है। आपको बता दें, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का एक पुराना नाता रहा है, जहां पर समय समय पर अंडरवर्ल्ड के डॉन बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज को धमकियां देते रहे हैं, जिसमें सबसे ताजा मामला सलमान खान का है। इसके अलावा शाहरुख खान, अक्षय कुमार और विवेक ओबराय जैसी हस्तियों को भी धमकियां मिलती रही हैं। सबसे ज्यादा सनसनीखेज मामला 1997 का है, जब सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज यानी टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उस वक्त जब वो मंदिर में दर्शन करने गए थे और उस समय अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालिम का नाम उसमें सामने आया था। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बाबा सिद्दीकी पर ये जो हमला हुआ और उसमें उनकी हत्या कर दी गई, तो दोबारा से मुंबई में अंडरवर्ल्ड सर उठाने की कोशिश कर रहा है या पैठ बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। एक ओर बॉलीवुड में खलबली है तो दूसरी ओर मुंबई पुलिस भी जरूर इस अंदेशे में होगी कि बाबा सिद्दीकी का हाई प्रोफाइल मर्डर मुंबई से दिल्ली तक गैंग वॉर का नया सिलसिला न शुरू कर दे। जिस तरह से इस हत्याकांड को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से लॉरेंस बिश्नोई की अदावत से जोड़ा जा रहा है, उस लिहाज से दाऊद के पलटवार की आशंका भी गहरा रही है। हालांकि इसे खारिज करने के लिए भी कई तर्क दिए जा रहे हैं। मसलन दाऊद के पास लॉरेंस गैंग पर पलटवार के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं है। छोटा शकील जो पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान में दाऊद के सिंडिकेट को चला रहा था, इसी साल मई में खबर आई थी कि कराची में अज्ञात हमलावरों ने उसे ढेर कर दिया। बढ़ती उम्र के बीच दाऊद के बेहद बीमार होने की खबरें भी अक्सर वायरल होती रहती हैं। और सबसे बड़ा दावा तो ये है कि महाराष्ट्र की सियासत में दाऊद के हमदर्द बचे नहीं हैं, और जो बचे भी हैं वो इस हालत में नहीं है कि उसकी मदद कर सकें। बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के बाद ये बात और खुलकर साफ होती दिख रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड मुंबई को 1990 के दौर की याद दिला रहा है। तब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की तूती माया नगरी में बोला करती थी और मुंबई अंडरवर्ल्ड के गैंगवॉर का अक्सर गवाह बना करता था। क्राइम सिंडिकेट से जुड़े गुर्गों की हत्याएं और गोलीबारी तो अक्सर सुर्खियों में रहा करती थी और कहा जाता था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने इसी तरह मुंबई में तब अपना डर का सिक्का जमाया था और जिसने उसकी राह में आने की कोशिश की उसे ठिकाने भी लगा दिया जाता था। जिस अंदाज में मुंबई में अभी बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, 90 के दशक में 4 विधायकों को उसी तरह ठिकाने लगाया गया और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि अंडरवर्ल्ड पर कब्जे की लड़ाई माया नगरी को नए खूनी मोड़ पर ले आई है। एक्सटॉर्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, अंडरवर्ल्ड का अरबों खरबों का साम्राज्य कारोबार इन्हीं गैर कानूनी धंधों पर चलता है। 1993 के बाद से ही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठकर दुबई के रास्ते अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इसे बखूबी चलाता रहा है। लॉरेंस बिश्नोई की नजर दाऊद के इन्हीं गैर कानूनी धंधों पर है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में लॉरेंस अपना क्राइम सिंडिकेट फैला चुका है। मलेशिया से लेकर साउथ अफ्रीका के देशों में अपने गुर्गों को सेट कर चुका है। खुद को पूरी तरह मजबूत बनाने के बाद दाऊद को वो डायरेक्ट चैलेंज दे रहा है और इसमें कामयाब होने का मतलब उस बड़े गैर कानूनी धंधे पर एक झटके में काबिज होना है, जिसके बिसात बिछाने जिसको जमाने में दाऊद को कई साल लगे।
जिस तरह आज बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर उंगली उठ रही है, 1990 के दशक के उस दौर में मुंबई में हुई बांद्रा में बीजेपी के विधायक रामदास नायक और प्रेम कुमार शर्मा की इसी तरह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शिवसेना के विधायक राय विठल चव्हाण रमेश मोरे को भी इसी तरह गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था। इन सारे सियासी हत्याकांडों की जांच में दाऊद गैंग और मुंबई अंडरवर्ल्ड की कड़ियां भी जुड़ी थीं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से अंडरवर्ल्ड की ये कड़ियां किस हद तक जुड़ती हैं, इसकी हकीकत जांच में खुलेगी या फिर सब कुछ कहानियों का हिस्सा बनकर रह जाएगा, ये भी आने वाला वक्त बताएगा।